जीवनपुर नाम के एक गांव में मेला और बिल्ली नाम का पति पत्नी रहते हैं। मेला एक बहुत अच्छा व्यापारी है और एक बहुत ही अच्छा बैल भी है। बिल्ली गाय के भी अच्छी स्वभाव की है, उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। बिल्ली और मेला को हमेशा एक ही बात का दुख लगा रहता है, उनकी शादी को 12 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें बच्चे नहीं हुए हैं। क्या बात है बिल्ली, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है ना? अब तो हर रोज अच्छे से तैयार होकर काम पर चले जाते हो, मैं दिन भर अकेली भूत की तरह बैठी रहती हूँ। ऊपर से बीच बीच में गांव की महिलाएं आ जाती हैं मुझे बातें सुनाने के लिए। खुद भी तो साथ में रहकर देख रही हो ना बिल्ली, जितना परेशान तुम हो रही हो उतना ही परेशान मैं भी हो रहा हूँ। अच्छा अब मैं चलता हूँ, आज एक नए डॉक्टर से भी मिलना है। ऐसे कहते हुए मेला वहाँ से चला जाता है और बिल्ली अकेले ही घर में बैठी रहती है। तभी धीरे से टिक्की गाय आती है और बिल्ली को परेशान करने वाली बातें करने लग जाती है। सुना है आज से तुम्हारी शादी के लिए 12 साल पूरे हो गए हैं। इस साल में तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है ना? वैसे मैं फिर से गर्भवती हूँ। लगता है तुम्हें ये बात जानकर खुशी हो रही है टिक्की, तुम इसीलिए आई हो ना यहाँ पर? मैं तो यूं ही बात करने के लिए आई थी बिल्ली, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम झगड़ा करने के मूड में हो। गर्भवतियों को ऐसे माहौल से दूर रहना चाहिए, इसलिए मैं जा रही हूँ यहाँ से। तुम नहीं समझ पाओगी, तुम्हारे बच्चे जो नहीं है ना। ऐसे कहकर टिक्की गाय वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद बिल्ली गाय रोते हुए बैठ जाती है। तभी उनके दरवाजे पर फिर से कोई आता है। घर पर कोई है बेटा? बहुत जोरों का भूख लग रही है, थोड़ा सा खाना दे दे तो अच्छा होता। आप बैठ जाइए, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। ऐसे कहते हुए बिल्ली अपने घर में से गरम गरम खाना लेकर आकर उस बूढ़े बैल को देती है। वो बैल वो खाना खाकर बहुत खुश हो जाता है और बिल्ली से ऐसे कहता है, तुम बहुत ही अच्छी हो बेटा, मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना अच्छा और गर्मा गर्म खाना खाने को मिलेगा। तुमने मुझे खुश किया, देखना बहुत जल्द तुम्हें भी खुशी मिलेगी। ऐसे कहते हुए वो बूढ़ा बैल वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद बिल्ली मन ही मन में सोचती है कि उसकी तो सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, वो भी बच्चों की। वो पूरी हो जाए तो दुनिया में उससे ज्यादा खुश शायद कोई और नहीं होगा। ऐसे शाम हो जाती है। शाम को बिल्ली गाय अपने पति को उस बूढ़े बैल के बारे में बताती है। तब मेला भी बड़ा हैरान होकर ऐसे कहता है, मैंने भी बिल्कुल ऐसे ही व्यक्ति से मिला हूँ आज, उन्होंने भी मुझसे ऐसे ही कहा था। शायद ये हम दोनों के साथ एक अजीब इत्तेफाक हुआ है। ऐसे कहते हुए बिल्ली और मेला जाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह बिल्ली को उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती है। मेला उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहाँ पर डॉक्टर की बात सुनकर बिल्ली और मेला हैरान हो जाते हैं। अब गर्भवती है, वो आपके पास पूरे बच्चे हैं और वो सब वक्त के साथ बहुत जल्द बड़े हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि सब अच्छा ही होगा। डॉक्टर साहब, आप वो दूसरे इंसान हो जिसने मुझे जिंदगी में इतना खुशी किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे कहते हुए बिल्ली और मेला अपने घर जाते हैं और हर रोज एक एक दिन गिनने लगता है। मेला अपने सारे काम छोड़कर
बिल्ली का ख्याल रखता है। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं और बिल्ली अपने सारे बच्चों को सुरक्षित जन्म देती है। इन सब के आने की खुशी में घर में एक दावत रखकर सबको बुलाते हैं, ये बताने के लिए कि अब हमारे भी बच्चे हैं, वो भी एक दो नहीं पूरे 12 बच्चे। मेला बिल्ली को खुश देखकर खुश होता है और घर में एक दावत रखता है। सब मेला और बिल्ली को बधाई देते हैं, लेकिन टिक्की एक कोने में खड़ी होकर बड़े गुस्से में देखती रहती है। लगता है आज से किसी का मनोरंजन खत्म हो गया है, इसलिए दुखी और उदास नजर आ रहे हैं, है ना टिक्की? यंत्रपुर नाम के एक गांव में विधि नाम की एक बूढ़ी महिला अपनी एक छोटी सी झोपड़ी में उसकी इकलौती गाय के साथ रहती थी। उसी की झोपड़ी के आसपास चार महिलाएं भी रहते हैं, रेखा, जया, सुषमा और बिमला। इन चारों की नजर हमेशा विधि की गाय पर ही रहती है, इसलिए एक के बाद एक आकर विधि को मक्खन लगाती रहती है। आपको किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है ना माँ जी? अगर कोई कमी हो तो बता देना, एक ही आवाज में आ जाऊंगी, पास में ही रहती हूँ ना, मैं बहुत ही अच्छी बच्ची हूँ। हाँ। मुझे पता है बेटा, तुम चिंता मत करो, मेरे मरने के बाद ये गाय तुम्हारा ही होगा और कोई भी इसके लायक नहीं है। वो बात सुनकर रेखा खुश होकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के तुरंत बाद ही जया एक टिफिन बॉक्स पकड़ कर आती है। पता नहीं लोग यूं ही आपसे मिलने के लिए क्यों आते हैं। मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि उसने एक बार भी ये नहीं पूछा होगा कि आपने खाना खाया है या नहीं। तुम सही कह रही हो बेटा, उसने एक बार भी नहीं पूछा मुझसे खाने के बारे में। पता नहीं तुम ना होती तो मेरी भूख का क्या होता। ऐसे कहते हुए विधि जया का टिफिन बॉक्स खाली कर देती है। खाली होते ही जया विधि से उस गाय के बारे में पूछती है। विधि इससे पहले कि कुछ कहे, वहाँ पर जया का पति आता है। जया, मुझे बहुत भूख लग रही है और घर के किसी भी बर्तन में खाना नहीं है। तुम यहाँ पर बैठकर क्या कर रही हो? जल्दी से चलकर मेरे लिए खाना बनाओ। जाओ बेटा, अपने पति के लिए खाना बनाओ और तुम चिंता मत करो, मेरे मरने के बाद ये गाय तुम्हारा ही होगा और कोई भी इसके लायक नहीं है। वो बात सुनकर जया भी खुश हो जाती है और अपने पति के साथ घर लौट जाती है। उसके जाने के ठीक बाद ही सुषमा आती है अपने साथ एक सुंदर साड़ी लेकर और विधि से ऐसे कहती है, कुछ लोगों को लगता है कि एक डब्बा खाना खिलाने से आप खुश हो जाएंगे, लेकिन उन्हें ये बात नहीं पता है कि आप कितने सालों से एक नई साड़ी नहीं पहनी हो, इसलिए मैं आपके लिए एक सुंदर साड़ी लेकर आई हूँ। तुम सही कह रही हो बेटा, उसने एक बार भी नहीं पूछा मुझसे कपड़ों के बारे में। पता नहीं तुम ना होती तो मेरा क्या होता। विधि उसके पास आने वाले सभी लोगों से यही बात करती है, वो इसलिए क्योंकि उसे उन चार महिलाओं के उसके पास आने की वजह पता है। अब तक तो सब ठीक है, लेकिन विधि के जाने के बाद क्या होगा, ये मुख्य विषय है और ये मुख्य विषय अभी से शुरू हो गया है। इतनी कम उम्र में आपके साथ ये क्या हो गया विधि अम्मा जी, हाय रे। बिमला ऐसे जोरों से रोना शुरू करते ही वहाँ पर जया, सुषमा और रेखा भी झट से आ जाते हैं और बिमला के साथ वो सब भी कुछ देर रोने का नाटक करके जल्दी से उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं
उसके बाद बारी आती है उस गाय की। ठीक है, तुम सब मुझसे ज्यादा दुखी लग रहे हो, कुछ देर और रो लो, मैं अब चलती हूँ विधि अम्मा की बेचारी अकेली गाय को लेकर। तुम लेकर जाओगी? लेकिन क्यों? विधि अम्मा ने तो मुझसे वादा किया था वो गाय को देने का, इसलिए मैं लेकर जाऊंगी उसे। वो बात सुनकर सब एक के बाद एक विधि ने मुझसे वादा किया था कहकर एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। ऐसे वो झगड़ा बड़ा हो जाता है और ये बात गांव के सरपंच तक जाती है। सरपंच जी, मुझे पता है कि विधि अम्मा ने मुझसे वादा किया था वो गाय देने का, अब ये सब भी मेरी बात को दोहरा रहे हैं। उन चार महिलाओं की बात सुनकर सरपंच का दिमाग खराब होता है और पहली बार एक सरपंच भी सही फैसला नहीं कर पाता है। एक बात तो तय है, विधि अम्मा होशियार थी, उन्होंने तुम सबसे वादा तो किया था लेकिन सिर्फ अपने फायदे के लिए। इस गाय के चार टुकड़े तो नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मेरे पास दो उपाय हैं। एक, इस गाय को मेरे पास छोड़कर चले जाओ। दूसरा, इस गाय को बेचकर पैसे आपस में बांट लो। चारों महिलाओं को दूसरा उपाय ही अच्छा लगता है, वो सब उस गाय को बेचकर आपस में पैसे बांट लेते हैं और अपनी लालची हरकत पर शर्मिंदा होते हैं।